पहुंच गए वैष्णो देवी। और दोस्तों क्या चाल, मैं तो मस्त हूँ और मैं होप करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल मंत्रा विद मनी। आई होप आपने अब तक लाइक कर लिया होगा वीडियो को जो लास्ट देखी होगी, वैष्णो देवी यात्रा की फर्स्ट वीडियो। और अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ गो टू माई चैनल वीडियोज़ और वहाँ जाके आप आराम से वो वीडियो देख सकते हो। प्लस लिंक मैं और दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही हम वैष्णो देवी स्टेशन पर पहुँचे, हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कोरोना वायरस की पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हमारा थर्मल टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म आया जिसमें हमारे को पूरी डिटेल्स देनी थी। लाइक आपका पहले तो आपकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, पता वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके अलावा आपको ये भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पूरी उसमें मेंशन करनी थी। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल कोई ट्रैवल किया है तो वो आपको डालना था इसके अंदर। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हो तो आपकी एंट्री बैन है, और अगर आप नहीं करके आए हो तो आप जा सकते हो आगे। तो ये सब डिटेल्स वहाँ पे आपको फ़िलअप करनी थी, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़िलअप कर रहा हूँ, और वो फ़िलअप करके आपको फॉर्म सबमिट करना था, और सबमिट करने के बाद ही आपको यात्रा पर्ची दी जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, कोरोना वायरस के लिए यहाँ पे पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद आपको यात्रा पर्ची मिलेगी। आधार कार्ड आपको साथ में है और यात्रा पर्ची मिलेगी। यात्रा पर्ची मिलने के 6 घंटे तक आपको, ये 6 घंटे तक ही वैलिड है, उसके बाद आपको 6 घंटे के अंदर अंदर इसको एंट्री गेट पे स्टैंप लगवाना है, तभी ये आगे वैलिड रहेगी, वरना आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऊपर बने हुए ना बेड, बने हुए ना बेड, कितने में मिल जाता बेड? बेड साइन बोर्ड का मेरे हिसाब से 100 रुपए में ऑफर। हाँ तो बस वहीं जाके आराम करें, जल्दी पहुंच गए। साल 85 ना पड़ जाती है भैरव बाबा जाने के लिए ट्रेन। हाँ रोपवे शुरू होता है मैंने सुबह होता है। सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे जैसे हेलीकॉप्टर स्टार्ट। हाँ 7 बजे स्टार्ट हो जाता। 7 बजे स्टार्ट हो जाता ना, पौने 7 7। और भी कितने बजे खुलता है? 8 बजे रेंज बोल देंगे, 7:30-8 बजे। अच्छा अच्छा, फिर हम पहले दर्शन कर लेंगे ना, 4 बजे दर्शन कर लेंगे। देख लेंगे जो जैसे हिसाब बनेगा, बेड ले लेंगे, सो जाएंगे यार 2-3 घंटे। कटरा में मौसम बिल्कुल साफ मिला है, अभी हमें ज़्यादा ठंड भी नहीं है और धूप निकली हुई है। भैया बता रहे हैं कि अभी बहुत ये बस अड्डे पहुँच गया है ना। बस यहाँ तक के 100 रुपये लेते हो आप लोग? बस स्टैंड का 100 रुपये लेते हैं, बस स्टैंड जितना मनी। पैदल यात्री तो जा रहे होंगे? हाँ पैदल जा रहे हैं, बहुत टफ है, पर ये वाला टफ भी है। हाँ पुराना रास्ता बढ़िया है, पुराना सही है। अगर गाड़ियाँ चल जाएंगी फिर आपके लिए बहुत सही है। हाँ जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो तब तक नहीं। तो ये अब हम बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं और बस स्टैंड निकल आए हैं हम, है ना? हाँ ये बाणगंगा रोड, बाणगंगा रोड है। तो स्टेशन से दोस्तों 205 रुपये किराया है बाणगंगा तक का, और 100 रुपये है बस स्टैंड का, जनता मने का 150 है हेलीपैड का, 150 है हेलीपैड का। ये मान लिया ना, बाणगंगा से हम इधर जाएंगे तो उधर से 5-5.5 किलोमीटर।
खाली आना पड़ता है। अच्छा उधर से फिर आपको खाली आना पड़ता है, इसलिए इसलिए इतना चार्ज है ये। वैसे कितने किलोमीटर है ये? 4-4.5 किलोमीटर है। 4-4.5 किलोमीटर, 4.5 ठीक है। हाँ हाँ, वो जब उतर के आते था उस रास्ते से आते ना वापस। मौसम ऊपर तो खराब लग रहा है। अच्छा हाँ, धूप निकली हुई अभी तो बहुत तेज, ऊपर तो ठंड मिलेगी। पहाड़ी में तो बर्फ है ना, ऊपर भवन में आपको घंटे में हो जाएगी पक्का? चलो देखते हैं, हो जानी चाहिए। अभी तो डराना है, अभी तो मज़ा आ रहा है। डरा सा नहीं है, वो आगे तक है 500 मीटर से होगा कम से कम 12.5 किलोमीटर। देखो कितना वेट उठा के आ रहे हैं। करा शेरा वाली दरबार की जय, जय माता दी। कुछ नहीं, अभी तो चलना स्टार्ट ही नहीं हुआ। तुम आपकी तरह भाग थोड़ी ना सकते हो, सिर्फ चल सकते हो। भाई साहब मैं कम से कम इससे 200 मीटर 300 मीटर आगे चला गया था। 500 नहीं, तू रहने दे, पूरा 1 किलोमीटर नहीं आगे हो गए? 3-4 मिनट वेट किया मैंने तेरे यहां, और रहने दे। सही है, आगे से रिकॉर्ड करूंगा तो दिखाऊंगा। हां पहुंच गए, अभी तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है अभी, कितना रास्ता कवर कराए हैं? अप्रॉक्सीमेट 800 मीटर कवर किया होगा। नहीं 800 मीटर क्या होगा, अभी कोई माइलस्टोन मिलता है ना उससे पता लग जाएगा। अरे कुछ भी नहीं आया यार, कुछ भी नहीं आया अभी, कुछ भी नहीं आया अभी तो। यात्रा पर्ची मेरे भी वॉलेट में पड़ी है। मान्यता मानी हुई है, और लेट लेट के ऊपर जा रहे हैं। अभी तो हम चल के जा रहे हैं और ये लेट लेट के ऊपर जा रहे हैं। भाई साहब धन्य है, लेट लेट ही जा रहे हैं। देख लो ऊपर, जय माता दी भाजी। कोल्ड ड्रिंक ब्रिंग या ब्रेकफास्ट ब्रेक? मैं तो ब्रेकफास्ट लगा। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट नंबर वन हमने कर लिया है। नंबर वन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रास्ते में पता नहीं कितने ब्रेक्स आएंगे और कितने हम ब्रेक लेंगे। तो ये ब्रेक नंबर वन था आफ्टर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हम चलाए, अभी 2-2.5 किलोमीटर और है अर्थ क्वारी। 2.5 किलोमीटर अभी और है अर्थ क्वारी, तो होप सो 2 घंटे में वो भी पूरी हो जाएगी। कैसी रहती है यात्रा, आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। जय माता दी, खाने फिरे फिर खाने।
दी, जय माता दी। जय माता दी जी, दीका जी। जय माता दी बोलते जाओ, चढ़ाई चढ़ते जाओ। अर्धकुंवारी पहुंचने में 2 किलोमीटर और क्या थोड़ा इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाल दी जाए ना। मनती है नंबर 2 रियल जूस। वही वो भी तो जरूरी है ना, ग्लूकोज शरीर में आना बहुत जरूरी है, तो नीलम क्योंकि उसे लड़ाई चढ़ रहे हो। दोस्तों ये अर्धकुंवारी से भवन तक की कार भी चलती है जिसमें 354 पर पर्सन है और एक बंदे को 2 टिकट मिलेंगे विद आधार कार्ड। अर्धकुंवारी टू भवन। सुबह हमने रात को दर्शन कर लिए थे। कितने बजे दर्शन किए हमने? 10 बजे दर्शन कर लिए थे। अब हम जा रहे हैं, दर्शन तो बहुत खुले हुए हैं, दर्शन तो बहुत खुले हुए हैं, कोई बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी रात को, तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अब हम ये ट्रॉली से जाएंगे, हम इस रोप वे से जाने वाले हैं भैरव बाबा मंदिर। अभी लेते हैं यहाँ से टिकट, टिकट की लाइन है लंबी, पर जाना तो है। इसमें बैठ के इसका पूरा व्यू। हाँ जी, अब तक का कैसा रहा सफर? लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है यार, सोच क्या था बहुत लंबी लाइन है। नहीं ये नहीं है, वो उधर है आगे है, टिकट काउंटर। एक जना लाइन में, मैं लाइन में लगता हूँ। तो चाय भाई, चाय भाई पी के चलते हैं फिर, है ना। पहले देख लेते हैं लाइन कितनी लंबी है। लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, नंबर आ जाएगा। अरे आधे घंटे में आ जाएगा नंबर, देख मूविंग है सारा, सारा मूविंग है। हाँ चाय भी दे, चला। तब तक ये थोड़ी लाइन भी चल पड़ेगी ना, अभी काउंटर खुला ही नहीं है।